एक बड़ा इन्होंने बिल्कुल साइड पे खड़ा हुआ था, ब्लैक और वाइट है, फतेह जंगी है। माशा पहले मैं आपको पूरी चारों तरफ से बड़ा दिखा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, मुझे लगता है ये गुस्से वाला भी है, भाई के पास जाते हैं अगर ये मारे ना तो। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, किन्ने था? 5.5 लाख 5.5। ते वेट कितने, वजन कितना होना है? 5.5 मान। ते आखिरी आरी कितने तक दे दोगे? हैं? जो मुकद्दरा जो है वो ही। नंबर बोलो अपना। 313। हाँ 53 142। जी व्यूअर्स, आपने देखा बेड़ा, मुझे देख के वो तस्वीरें बनवाना नहीं चाह रहा था वो। व्यूअर्स व्यूअर्स, इस वक्त रश ज़्यादा हो गया, लोग आखिर तंग आके ये पटड़ी है इसके ऊपर खड़े हो गए हैं। और जानवर जैसा कि आपको वो देखें, जानवरों के पास सिर्फ उनके मालिक खड़े हैं और कोई भी नज़र नहीं आ रहा। जी व्यूअर्स, ये एक और बेड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किन्ने दा? ए जी 5 लाख मोल करने हैं जनाब। 5 लाख कर दे तो देना किन्ने दा? चाह दे सा जी इंशाल्लाह, प्यार मोहब्बत का चाह दे। प्यार मोहब्बत फिर भी बस 6.5 तक चाह दे सा। नंबर बोलो। 0313 जी 5140948 जी। ठीक हो गया भैया, आपने नंबर दे सुन लिया इनसे, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह जानवर खूबसूरत नजर आ रहा है, मुझे खुद भी नजर आया। जी भैया, एक और बड़ा खूबसूरत वाइट, और ये देख लिया आपने। जी अस्सलाम वालेकुम, किन्ने दा? ये 4.80। नस्ल केड़ी है? नस्ल फतेह जंगी। फतेह जंगी है। 4.80 ते अंदाजन वजन कितना होएगा इसका? तकरीबन 5-1 मान होगा। 5-1 मान होएगा। जी भैया, आपने देखा, इसके अलावा ये बेड़ा भी है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बेड़ा है। भाई से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, भाईजान ले लिया या बेच रहे हैं? माशाल्लाह मुबारक हो। कितने का हुआ? 4,55,000। मांगा कितना था उसने? 6 लाख। 6 लाख। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब कर। ये IR वर्ल्ड चैनल है मेरा। जी माशाल्लाह भैया, आपने इन्होंने 4,80,000 में बहुत ही खूबसूरत बैठा इन्होंने खरीद लिया, आखिरकार कामयाब हो गया खरीद। माशाल्लाह से ये खूबसूरत बैठे यहाँ पे बैठे थे, बाकी बहुत खूबसूरत है। मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ कि बैठे खूबसूरत हैं, रेट खूबसूरत नहीं है। माशाल्लाह से इस मंडी का खूबसूरत और बड़ा बैड़ा मुझे अभी तक ये सबसे बड़ा लगा। ये देखें मैंने, ओहो हो, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बैड़ा है। और मुझे लगता है ये गुस्से वाला भी होगा, ये देख लें। मैं दुड़ाई वाला है। दुड़ाई वाला है, अच्छा भगाने वाला है, लीग वाला जिसे कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी चाचू, कितने का है? 12 लाख। 12 लाख। वजन कितना होएगा था? वजन इसमें 11.5 मान। 11.5 मान और 12 लाख। थोड़ा थल्ले नहीं होंगे? कर लेंगे। अच्छा, इसका मतलब की नंबर बोलो अपना। 0307-5257-664। जी व्यज, आपने जैसा कि अंकल से नंबर सुन लिया है, उन्होंने निकेल डाली हुई है, बहुत ही खूबसूरत बैठा है। मेरा तो दिल कर रहा है इसकी निकेल से पकड़ूं, मैं पता लगे वो निकेल के साथ मुझे भी साथ ले गया। उनका भी, उनके बड़े आएंगे तो भी उनका कोई कीमत तय पाएगी, तो मैं उतनी देर में आगे जाता हूँ और देखता हूँ। माशाल्लाह बेड़ा बहुत ही खूबसूरत था, मुझे बहुत पसंद आया, मगर उसने पैसे उसके 12 लाख रुपया मांगा है, और उसे मैंने जब वजन का पूछा तो वो कह रहा है 11 मान। तो व्यूअर्स, आप कमेंट करके बताइएगा इसको कितने का होना चाहिए। ये 12 अगर मांग रहा है, आया 11 मन का जो है वो 12 लाख का है कि कितने का, कमेंट जरूर कीजिएगा। सलाम जी जनाब, क्या जी? ये वैसे जुल्म है, नुमाइश है, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, वैसे कह रहा है कि शायद लोगों ने भीख, जैसे भीख वो कितना है ना पैसे, वैसा वो खा के लेके आए, वो गाने का काम नहीं है ये, बस वैसे सैंपल के लिए लगा के रखे हुए, ये सैंपल का काम है। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पेयर है ये। अब भाई के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाईजान, कितने का है? एक का दो, दोनों का भी बता दें और एक का भी बता दें। 10-10 लाख रुपए। दस दस। वेट कितना होगा दोनों का?
अच्छा सामने है जी। बस 10 लाख रुपया एक इसने पैर में से मांगा है, यानी कि 20 लाख के दो जी। बस ये बेड़ा देख रहे हैं इनका सौदा। और जी वह सौदा चल रहा है, अब वो चेक कर रहे हैं। अभी मैं आपको बेड़ा भी अभी उन्होंने बाहर लाया, अभी देखते हैं। सॉरी सॉरी अंकल। जी व्यास इस वक्त ये ट्रेन भी यहाँ से गुजर रही है, ये देख सकते हैं मंडी के दरमियान में ट्रेन। भाईजान ये भाई आए हैं। हाँ जी देव दसो की रेट है। 15 लाख रुपया। ये वो 14 कह रहे थे। 14 चलो 14 होगा। तुसी किन्ने देना चाहते हो? 10 लाख। 10 लाख रुपया क्यों भाईजान होता है? 11.5 लाख रुपया ना हो जाए। ये जी वो 11.5 लाख रुपया कह रहे हैं। ये रहा भाईजान मेरे ख्याल सही पैसे लाए ना देव। फाइनल फाइनल साडे प्रॉफिट, मेरी गल सुनो, प्रॉफिट अल्लाह ने देना, बंदे नहीं देंदे। ਇਹ ਗੱਲ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸੀਬ ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ 5-10 ਹੋਰ ਚਾਹ ਦੇਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। 5-10 ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5-10 ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਦੇਣੇ ਆ, 20 ਛੋੜ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ? ਮੈਂ 11.5 ਲੱਖ ਕਿਹਾ। ਯਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 11.5 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੋਲਾ ਫਿਰ ਰੇਟ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਹੈਂ चलो 10 और 10-30 कर दो बस। 20 कर दो। क्यों जी भाई? ठीक है जी थोड़ी मर्जी है तो ठीक है। ये अभी टीवी पे सौदा हो रहा है, ठीक है। कोई बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, ये लाइव जाएगा। लाइव जाएगा, कोई मसला नहीं। क्यों जी ठीक है, डन है? 10-20 का। 10-20 का, ठीक हो जी व्यास। इस माशाल्लाह से भाई का सौदा हो गया है, 10-20 में उन्होंने हामी भर ली है। हो गया जी। जी भाजन बयाना आपने हमारे सामने देना है, बात हमारे सामने हो गई है, बयाना दें भाई भाई को। मैं ये लोगों को भी दिखाऊंगा माशाल्लाह से हमारा सौदा। और ये बैल मुझे ज़ाती तौर पे मुझे, हाँ जी लेना भाई, अल्लाह इनको नसीब करे। इसमें मेरी गारंटी है, हाँ जी, अगर इसका ब्लड, इसमें ब्लड का एक कतरा भी ना फीड का बंडे का निकले मैं से मार। जी भैया माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक हो गया भाईजान? ठीक है बयाना सामने। माशाल्लाह से भाई की किस्मत में 1 मिनट में सौदा हुआ है, हालांकि इन्होंने 14 लाख रुपया मांगा था और ये भाई ने लिया। भाईजान आपका नाम क्या है? उमरेश खान। उमरेश खान किस गांव से? फतेहजंग। फतेहजंग के शहर से? शहर फतेहजंग। जी भैया इस वक्त आई आर वर्ल्ड की मुनासबत से इनका सौदा तय पा गया है और भाई ने और जो व्यापारी है उन्होंने भी खुशी खुशी दे दिया है। तो व्यूअर्स अभी इनका जो इजी पैसे का अमल अभी बयाना होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई। तो अमरेश भाई ने खरीद लिया है, तो व्यूअर्स मैं अभी आपको अभी इनका सारे देखा कि ये इसने 14 लाख व्यापारी ने मांगा था और उन्होंने 10 लगाया, आप करते कराते 10-20 में डन हो गया। तो अमरेश भाई ये फतेहजंग शहर से हैं, इनका माशाल्लाह से ये आई आर वर्ल्ड की वजह से उन्होंने कहा जी हम इनकी वजह से आपकी वजह से हम इनको उन्होंने 11.5 पे रुके हुए थे तो उन्होंने आखिरकार 10-20 पे उन्होंने मान लिया और उन्होंने वो बड़ा उमेश भाई को दे दिया। जी भैया इस वक्त मुझे लग गई है प्यास और मैं इस वक्त इस भाई के पास आया हूँ
शॉप है सामने, तो इन्होंने मुझे दिया है 10। अब मैं 7 अप का 10 इंजॉय करूँगा इधर। तो इस वक्त तो रश बहुत ज़्यादा हो रहा है और माशाल्लाह मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी आपने लास्ट में जो इससे पहले जब पानी 7 अप पीने से पहले जो मैंने सौदा करवाया और वो बंदा बहुत ही खुश है। तो व्यूअर्स आप पीते हैं 7 अप। इस कावड़ के बाद 7 अप में मज़ा ही दोबारा कर रही है व्यूअर्स माशाल्लाह से। नहीं नहीं इसको डर लगता ना कि हाँ जी व्यूअर्स जी बहुत खूबसूरत है माश। हमने इससे 7 मांगे, हमने कहा आधे ले लो, आधे ले लो। वैसे क्या आते सही है, झूठ तो नहीं क्या? तुम किन्ने दे आखिरी आखिरी किन्ने दोगे? देना किन्ने दा है? माल चेक करो। हाँ देखो यार देखो, दो बच्चे ऐसे कर रहे हैं तैयार। मैं पानी पी के फ्रेश हो गया हूँ और दोबारा अब चलते हैं मंडी की तरफ और जाके देखते हैं फिर दोबारा कोई अच्छा सा सौदा हो सके तो। ये व्यूअर्स ग्राहक जो है फिर के थक गए हैं और ये इस वक्त थक गए हैं अभी इनसे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी बैठ गए हैं थक के? थक गए फिलहाल। क्यों यार, बहुत ज्यादा रेट बहुत ज्यादा है। क्या कहते हैं कितना होना? थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं। चलें ठीक है, अल्लाह करे आपको आपके मतलब की चीज मिल जाए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त इधर साइड पे आए हूँ तो ये एक अंकल हमें नजर आए, वो कह रहे हैं उनसे इंटरव्यू लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? अल्लाह का करम जी। कितनी देर से घूम रहे हैं? ये तकरीबन 1 घंटा हो गया घूम रहे हैं। तो कोई चीज नहीं मिली आपके मतलब? रेट बहुत महंगा है, चीज तो अच्छी मिल रही है लेकिन रेट बहुत हाई है। बहुत ज्यादा हाई है? बहुत हाई रेट है। तो कितने होने चाहिए आपके अंदाजे यार? कुछ तकरीबन 1-1.5 लाख कुछ कम होना चाहिए। अच्छा 1-1.5 लाख कम होना चाहिए जी जी। 3-3 लाख मांग रहे हैं लेकिन इतनी की चीज नहीं है जो इतने मांग रहे हैं। चले ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पे लाइट कम है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ बेड़े। ये तो स्पेशल शेड के नीचे बांधे हुए हैं माशाल्लाह से, बहुत ही बड़े बेड़े हैं, खूबसूरत हैं। भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक जी। क्या रेट दे रहे लगाया इनका? 15 लाख एक का जी। तो फाइनल कितने में देना? तो प्यार मोहब्बत हो जाएगा, प्यार मोहब्बत हो जाएगा। आपकी तस्वीर बिल्कुल डार्क आ रही है। तो अपना नंबर बोलें। 0314। हाँ जी 99-878 जी। व्यूअर्स जैसा कि आपने देख लिया, अगर आपको पसंद आए एक और बेड़ा। जी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत जी। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई किन्ने दा? भाई जान 10 लाख रुपए। देना किन्ने दा? देना 8 लाख रुपए। पक्का जी जी? या इससे भी घट हो सकता है? नहीं इससे घट नहीं। वजह रख के सांदा हो गया जी। नंबर बोलो अपना। 0302-5062-1062 जी। बस आपने ये बड़ा देख लिया है, मैं आपको करीब से भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो रेट भी बता दिया और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है जी। बस हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा किधर आए हो? हम अभी मंडी आए हैं बुल परचेज करने। हमने अच्छा तो कोई पसंद आया? किधर आओ, किधर आओ। पर एक बुल है वो हमें पसंद आया तो अच्छा, उसका भी डील बना रहे हैं। तो बहुत पसंद है आपको? जी बहुत पसंद। मुझे दिखाएंगे जाके साथ? चले आए चलते हैं। चलो आगे हो। ये जी एक छोटे से हमारे भाई हैं, तो उन्होंने कोई बेड़ा पसंद किया है, वो मुझे दिखाना चाह रहे हैं। ओ ये जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये वाला बेड़ा है जो इस बच्चे को पसंद आया है। तो हाँ जी ये पसंद है आपको जी? तो पैसे कितने लगाए हैं? 5 लगाए हैं। 5 ले ली दिया? नहीं। क्या कह रहा है वो? 6.5। तो करें बात उससे जी? करें। चले करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी किन्ने दस्से से इन्हां नूं? 7 लाख। 7 लाख दस्से ते उन्होंने किन्ने लाए? 5 लाख। 5 लाख तो देना किन्ने दा? 6.5 लाख। यार कोई थोड़ा कर, हुण बच्चे ने भी ओ कित्थों मैनूं फड़ के लै के आया, कहिंदा अंकल जी आप करे कुछ। हुण दसो किन्ने दा देना? कोई टीवी सारे लाइव देख रहे ने। 6.5।
जी बस उनको रेट पसंद नहीं आया, बात ही बनी है। तो बेटा थैंक यू। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि बच्चे को बड़ा पसंद आया मगर व्यापारी ने नहीं दिया, उसके वालिद ने 5.5 लाख रुपया लगाया तो उसने 7.5 से 6.5 पे आया। तो व्यूअर्स, इस वक्त अंधेरा होने वाला है, मगरब की अजान हो चुकी है, तो इस वक्त वीडियो भी उस तरह से ही मज़े की नहीं आएगी। तो व्यूअर्स बताइएगा मेरी आज की आपको वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।